कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज संत एल्यूथेरियस का पर्व संपूर्ण कलीसिया मनाती है। छठी शताब्दी के यह संत हैं। इनका जीवन सादगी एवं प्रभु के कार्यों को करने में हमेशा लगा रहता था, और विशेष रूप से इनके जीवन से और इनके कार्यों से प्रभु चमत्कार दिखाते हैं। इन्होंने अपने जीवन से कई भटके हुए लोगों को प्रभु के पास यह लेकर आए हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, एक समय की बात है जब कॉन्वेंट में की सिस्टर गणों ने कहा कि एक बालक को अवधूत लग गया है और वह जोर जोर से चिल्ला रहा है। तब संत को बुलाया जाता है और संत एल्यूथेरियस ने उस बालक के पास जाकर उसे एक वह गिरजाघर में ले जाते हैं और वह वहाँ पर उसके लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु फिर भी ज़ोर ज़ोर से वह बालक चिल्लाता है, कराहता है और वह चुप नहीं होता है। तब संत एल्यूथेरियस को याद आता है कि यह अवधूत इस तरह नहीं निकल सकता, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि यह केवल उपवास एवं प्रार्थना से ही इसे निकाल सकते हैं। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम विशेष रूप से प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो कई शक्तियों से ग्रस्त हैं, जो बुरी शक्तियों से जकड़े हुए हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु के मार्ग पर चले और प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करे। We'll be right back.